तो बच्चों अपन मैथ्स भी स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे भी आप भी फ्री हो, बोर हो रहे हो, मैं भी बोर हो रहा हूँ, तो सोचा क्यों नहीं मैथ्स भी स्टार्ट कर लेते हैं अपन, है ना। तो मैं यूँ कह रहा था, देखो अपन एक्चुअली स्टार्ट जो कर रहे हैं वो सीक्वेंस से नहीं कर रहे हैं, अपन फर्स्ट और सेकेंड यूनिट को छोड़ रहे हैं, रिलेशन और फंक्शन को छोड़ नहीं रहे हैं, उनको बाद में करेंगे अपन, पेंडिंग रखेंगे। अपन थर्ड से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर अपन उसके बाद उस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे अपन, ठीक है ना। हालांकि अपन डिफरेंशिएशन उसको भी ले सकते थे, पर ठीक है अपन मैट्रिक्स को ले लेते हैं सारी। देखो मैथ्स के बारे में मैं इतना सकूँगा कि ये बहुत ईजी है, नंबर लाना इसमें बहुत ही ईजी ही, और मैथ्स में स्कोर करना भी बहुत ईजी होता है। इसको देखो पढ़ने में भी जोर आता नहीं है, हमें बोर भी नहीं होते, जब भी अपन को नींद आ रही होती है या बोरिंग फील करते हैं अपन तो मैथ्स ले लेते हैं, तो मैथ्स को पढ़ना बहुत ईजी है, ठीक है ना। दूसरी बात, जो मैथ्स देखो इंटरेस्ट कब आएगा, जब ऑब्वियसली आप इंटरेस्ट लोगे, आप समझ में आया हुआ होगा तो आपको बहुत ईजी लगेगा करने में। तो देखो मैथ्स को मेरे हिसाब से अच्छा स्कोर लाने का जो तरीका है वो एक सिंपल सा फंडा है। क्या तरीका है कि जैसे आपने कोई एक्सरसाइज पढ़ ली, उसकी थ्योरी पहले एक फेयर कॉपी डाल दो आप उसको। फेयर कॉपी का मतलब ये हो गया कि आप पूरी एक तरीके से की रेडी कर रहे हो। आप उस फेयर कॉपी को लो, आप उसमें जो भी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है पहले उस एक्सरसाइज की थ्योरी लिख लो आप, ठीक है। थ्योरी आपका कुल मिला के पूरा आपके वेपन से, एक तरीके से किसी वार के लिए अपन आप जैसे वेपन्स रेडी कर रहे हैं अपन, पूरी प्लानिंग वो अपनी थ्योरी है, ठीक है ना। थ्योरी रेडी करने के बाद आप एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे, और एक्सरसाइज वैसे के वैसे आपको कॉपी में क्वेश्चन लिखना है उसका आंसर लिखना है, क्वेश्चन लिखना है उसका आंसर लिखना है, पूरा सिस्टमेटिकली आपको सॉल्व करना है, मतलब आपको पूरी एक तरीके से की रेडी करनी है, ठीक है ना। अच्छा, उन क्वेश्चंस को करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि वो क्वेश्चंस आपको पहले एक बार रफ में सॉल्व किए हुए होने चाहिए, ठीक है ना, बिल्कुल अच्छे से आने चाहिए, फिर उसके बाद उसको कॉपी में उसमें सॉल्व करो। सॉल्व करते टाइम आप हो सकता है अटक जाओ तो उसको देख करके लिखो, क्योंकि वो फेयर कॉपी रेडी हो रही है आपकी, वो फुल एंड फाइनल होगी, ठीक है। हर बार लास्ट टाइम तक के लिए बोर्ड में या जितने भी टेस्ट होंगे उसके लिए वही कॉपी काम आएगी आपके। तो एक बार रफ में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो आप, फिर उसके बाद उस फेयर में बिना देखे या देख करके उसको एक बार तो उस क्वेश्चन को आप लिख लो आप, ठीक है ना। पूरी एक्सरसाइज जैसे कंप्लीट हो जाती है तो क्वेश्चन की ग्रेडिंग कर ले आप ए बी सी के हिसाब से। जो क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, लल्लू क्वेश्चन है, जिनको एक बार देख लिया बस, फिर बार बार देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चन को आप ए ग्रेड दे दें, बिल्कुल नॉर्मल है, इनको तो अपन बाद में देख लेंगे, निपटा देंगे, एंड टाइम पर भी पढ़ लेंगे तो ये तो हो जाएंगे, ठीक है। बी ग्रेड के क्वेश्चन देखो, बी ग्रेड के क्वेश्चन जो है ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना, और ज़्यादातर पेपर सेटअप इनमें से ही होगा, ये हमें करने में इंटरेस्ट आता है ऐसे क्वेश्चंस को, उनको बी ग्रेड के क्वेश्चन दें। सी ग्रेड के क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट और अजीब तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, यानी ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपने भले ही कितनी बार भी कर लिए लेकिन आपको बार बार उनको देखना पड़ेगा, एग्जाम के टाइम भी देखना पड़ेगा, उनमें स्टार्टिंग में कोई ट्रिक होती है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम। तो ऐसे आप क्वेश्चन की हर एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन की मार्किंग कर दें, तो जब भी आपके उन क्वेश्चन पे नजर जाएगी तो आपको आइडिया लग जाएगा इस क्वेश्चन का लेवल क्या है, ठीक है। पहली बात तो ये, तैयारी कैसे होनी चाहिए उसके बारे में मैंने बताया। दूसरी बात, देखो जब भी आपके कोई टेस्ट होता है या जब भी आप कोई टेस्ट देते हो स्कूल के एग्जाम में, आप बार बार क्वेश्चन सॉल्व करने मत बैठे। आप कितनी बार मैथ सॉल्व करोगे, आप टाइम खराब करोगे अपना बार बार। देखो अगर कोई स्टूडेंट एक बार रफ कॉपी में मिला देता है, फिर उस फेयर कॉपी में सॉल्व कर लेता है, उसके बाद एक बार और कर लो आप बस, फिर उनको बार बार आप क्वेश्चन को सॉल्व मत करें, उनको देखें आप बस। और मैथ्स के क्वेश्चन की तो एक सिंपल सी लॉजिक है कि उसमें स्टार्टिंग ही सब कुछ डिसाइड कर लेती है, जिसको स्टार्टिंग आ गई श्योर है वो क्वेश्चन के लास्ट तक पहुँचेगा। तो आपको बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप उन क्वेश्चन को देखें जरूर बार बार बस कैसे सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। और टेस्ट तो है ही आपका, सब कुछ मेन जो है डिसाइड वो टेस्ट ही करेंगे। तो अपन टाइम खराब नहीं कर रहे हैं, सीधी थर्ड एक्सरसाइज शुरू करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड को अपन रोक रहे हैं। थर्ड एक्सरसाइज मैट्रिक्स है, मैट्रिसेज या मैट्रिक्स, ठीक है, बिल्कुल इजी है, मतलब यूँ नंबर तो यूँ आएंगे आपके, देख लेना आप अगर ध्यान से आप ढंग से पढ़ रहे हो आप, और ज़्यादा बर्डन लेना ही नहीं है। जब भी आपको लगेगा अब मेरे को यूँ चिल करना है, रिलैक्स करना है, तो मूवी देखने का मन होता है ना, तो वैसा मन हो जाए तब आप मैथ साथ में ले लेना, ठीक है। तो अपन ज़्यादा टाइम खराब नहीं कर रहे, मैट्रिसेस के बारे में देखो, मैट्रिक्स होती क्या है, डेफिनेशन क्या है। एन ऑर्डरली अरे ऑफ अरे या अरेंजमेंट कह दो आप, ठीक है ना, नंबर्स और फंक्शंस इज कॉल्ड मैट्रिक्स। देखो मतलब नंबर और जो भी फंक्शन या नंबर, ये साइन थीटा कॉस थीटा ये फंक्शंस होते हैं, और नंबर जो नॉर्मली हम डिजिट जानते हैं, इनको आप क्या करो ऑर्डरली एक सीक्वेंस के अंदर लिखोगे, आप ढंग से सिस्टमेटिकली लिखोगे, तो उसको अपन कहेंगे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कैसे बॉक्स बनाया जाता है, ये ऐसे बॉक्स बनाते हैं अपन, स्क्वायर बॉक्स बनाएंगे कैसे,
ऐसे मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे अपन, और मैट्रिक्स के अंदर अपन एलिमेंट्स को लिखेंगे। जैसे मैं मैट्रिक्स के अंदर किस कुछ भी लिख लेता हूँ, 2, 3, 4, 1, 6, -2, 3, 1, 6, ये मैंने ऐसे मन से लिख लिया, ये मैट्रिक्स है। इसमें ये ऐसा नहीं है कि ये दोनों कोई मल्टीप्लाई में, इसका इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है दूर दूर का, ये इससे कोई लेना देना नहीं है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, सब अपने आप अलग अलग कोनों में बैठे हैं बस, ठीक है। तो ये इनका ये जो अरेंजमेंट है, ये सारे अपने अपने अलग अलग ठिकानों पे बैठे हैं बस। ये जो एक अरे जो बनाया मैंने, एक सीक्वेंस, एक पूरा एक जो बनाया मैंने, ये इसको अपन बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में जो ये नंबर आ रहे हैं, इसकी जगह कोई फंक्शन भी हो सकते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, ऐसा कुछ भी कोई फंक्शन भी हो सकता है। तो इस मैट्रिक्स के अंदर ये जो भी आ रहे हैं, नंबर आ रहे हैं या फंक्शन आ रहा है, इसको अपन कहते हैं एलिमेंट्स। क्या कहते हैं? एलिमेंट्स, या इनको एंट्रीज भी कह सकते हो आप। ये एंट्रीज है ऑफ मैट्रिक्स, क्लियर। अब देखो ये मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, एक्चुअली ये आपने देखा होगा महाभारत के अंदर कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुस गया था और फिर चक्रव्यूह में फंस गया था, तो ये वो चक्रव्यूह कुछ इसी तरीके का था, मैट्रिक्स ही थी वो एक तरीके से, ठीक है। ऐसे कैसे क्या कहते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले है ना, मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट एक्चुअली आया था उसी समय। उस समय जैसे कोई पर्टिकुलर एक बटालियन होती थी, उस बटालियन में जितने भी सारे आर्मी मैन होते थे, उन सबको अपने अपने एक जगह अलॉट होती थी, और उसी सीक्वेंस के साथ वो मतलब उसी जगह के हिसाब से एक साथ एक पूरी बटालियन उसी हिसाब से आगे बढ़ती थी, ठीक है ना। और एक बटालियन दूसरी बटालियन के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करेगी, तो वो उसका पर्टिकुलर सीक्वेंस था, कुछ रूल्स थे, और वो रूल्स हमारे मैट्रिक्स के रूल ही हैं, ठीक है। तो भाई मैट्रिक्स जो कुल मिला के वो इसी तरीके से एक बटालियन जो है, एक तरीके से एक मैट्रिक्स है, और इसमें ये बैठे हुए आर्मी मैन है, ठीक है। तो अपन कुल मिला के मैट्रिक्स को आप पूरा मैथ्स के हिसाब से पढ़ लेते हैं कि कैसे क्या है। ये जो लाइन आ रही है आपको, ये आडी लाइन है, ये ऐसे लेटी हुई लाइन है, इनको आप कहोगे रो। क्या कहोगे? रोना नहीं है, रोज, रो, रो, आर ओ डब्ल्यू, रो। ये सारी रो है इस फिगर के अंदर, आपको कितनी रो दिख रही है, ये फर्स्ट रो है आर वन, ये सेकेंड रो है, इसको कहोगे आर टू, और ये थर्ड रो है आर थ्री, ठीक है। ये जो आ रहे हैं ये खड़े खड़े खड़े, इनको कहते हैं कॉलम। क्या कहते हैं अपन? कॉलम है, ये कॉलम है भाई। तो ये जो कॉलम आ रहे हैं, ये फर्स्ट कॉलम है सी वन, ये सेकेंड कॉलम है सी टू, और ये थर्ड कॉलम है सी थ्री। ये रो, इन आडी लाइनों को आप कहोगे रो, और इसको अपन कहेंगे कॉलम कहेंगे। ये तो बिल्कुल ईजी है समझने के हिसाब से, कोई डिफिकल्टी है ही नहीं इसके अंदर। अब देखो ये तो चलो आपको पल्ले पड़ गया कि ये तो है रो और ये जो है कॉलम है, ठीक है। अब एक वर्ड अपन सुनेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या होता है? देखो ऑर्डर का मतलब एक मैट्रिक्स में कितनी रो है और कितने कॉलम है, ठीक है। पहले रो लिखेंगे फिर कॉलम लिखेंगे, यानी नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, ये एक मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, ठीक है। नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, ये जो होता है ऑर्डर होता है। जैसे आपको इस डायग्राम में दिख रहा है कि 1, 2, 3 तो है रो, और कितने कॉलम है? 3 कॉलम है, तो 3 × 3 की मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 3 × 3 है, ठीक है ना। अच्छा इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, कितने डिजिट बैठे हैं भाई? तो आप सीधा इधर से 3 × 3 मल्टीप्लाई कर दो, 9 हो गया। तो यहाँ 9 एलिमेंट्स है, दिख रहा है आपको? जैसे मैं ऐसे बना दूँ एक मैट्रिक्स, साइन एक्स, एक्स स्क्वायर, 2 log x, 1 4, ये एक मैट्रिक्स बना दी। इसमें कितनी रो है? एक रो ये है आर वन, एक रो ये है आर टू, दो तो रो है, ठीक है। और कॉलम कितने हैं? 1 2 3, 3 कॉलम है, C1, C2 और C3। तो 2 तो है रो, पहले रो लिखेंगे अपन, 2 तो है रो, और कॉलम कितने हैं भाई? 1 2 3, 3 कॉलम है, 2 × 3 की ये मैट्रिक्स है। पहले रो आएगी फिर क्या आएगा? कॉलम आएगा, 2 × 3 की मैट्रिक्स है। कितने एलिमेंट्स होंगे? तो मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 3, 6, गिन लो, 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट इसमें, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। अब अपन आगे मैट्रिक्स के ऑर्डर को है ना रिप्रेजेंट करेंगे m × n से। m × n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, m तो होगी नंबर ऑफ रो और n जो होगा वो नंबर ऑफ कॉलम होंगे, क्लियर। अब चलो ठीक है, ये तो आपको पता चल गया, ऑर्डर का मतलब नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, और उनको मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे, कितने एलिमेंट्स हैं, कितने एंट्रीज है, कितने जने उसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है। अब मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, ये भाई आपको पूरे देखो कान खुले रखने पड़ेंगे इसमें, देखो ठीक है, मतलब वास्तव में कान खुले रखने हैं। ये जो चीज़ अभी मैं समझा रहा हूँ आपको, एक अब अपन है ना, जैसे कोई मतलब मान लो कोई बड़ी कॉलोनी है, उसमें अलग अलग फ्लैट बने हुए हैं, तो हर फ्लैट की एक आइडेंटिटी होती है कि भाई ये पर्टिकुलर लोकेशन पर ये फ्लैट है, इसके नंबर होते हैं ना।
तो वैसे के वैसे अपने जो ये एलिमेंट्स पड़े हैं इनका सबका एलिमेंट का पता होता है, ठिकाना होता है, उसकी मार्किंग होती है, अपन को देखते ही पता चलना चाहिए कि इस एलिमेंट की बात हो रही है, अपन को पूरा आइडिया हो जाएगा तो क्या उनकी आइडेंटिफिकेशन होती है। तो इसके लिए मैं बता देता हूँ, जैसे मैंने एक ऐसे लिख ली मैंने मैट्रिक्स 2, 3, 4, 6, -1, 8, ये भी इसका ऑर्डर क्या है, कितनी रो है, फर्स्ट सेकेंड, दो तो है रो, 1, 2, 3, तीन कॉलम, तो ये 2×3 की मैट्रिक्स है, ठीक है। अब मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों को, ये भाई रो है, ये फर्स्ट रो है R1, ये सेकेंड रो है R2, ये है इसको कहेंगे अपन C1 फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम, क्लियर। अब जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होते हैं ना उनको अपन A से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, A से डिनोट करते हो आप। अब ये जो एलिमेंट है इसका पता पूछे आपको ये कहाँ पर पड़ा है, किस जगह पर पड़ा है, तो भाई आपको कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में यही आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, ये तो सेकंड रो में चला गया, तो फर्स्ट तो है रो, ये रो फर्स्ट है और फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो के इंटरसेक्शन पे जो एलिमेंट बैठा है वो पहला एलिमेंट होगा जो फर्स्ट स्टार्टिंग वाला होगा। तो इसका पता क्या होगा, ये जो एलिमेंट है वन वन मतलब फर्स्ट तो है रो, पहले रो लिखेंगे और फर्स्ट है कॉलम, वन वन है इसका पता, ठीक है। इसका पता देखो भाई क्या है, ये कौन सी रो में बैठा है, रो कौन सी, ये रो कौन सी इसकी फर्स्ट, और कॉलम कौन सा, ये कौन सा देखो कॉलम सेकंड, A12 इसका एड्रेस है, A12 इसका क्या एड्रेस है, ए ये फर्स्ट है रो और कॉलम नंबर थर्ड, तो यहाँ सब में पहले 111 ही आएगा क्योंकि पहली रो है, ठीक है, फिर कॉलम नंबर 1, 2, 3, इसका भाई बताओ पता, ये कौन सी रो में आ गई, ये सेकंड रो शुरू हो गई, तो ये A21 है, ये कौन सा है, A22 है भाई, टू मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, और ये क्या होगा, इसका क्या होगा, A23 पे। अब मैं आपसे ये पूछ लूँ, मैं कह दूँ भाई मुझे तो बताओ A23 कहाँ पड़ा है, बताओ कौन A23, तो A23 का मतलब इसको नहीं देखना है अपन को, A23 का मतलब सेकेंड रो, ये रही सेकेंड रो, 3 का मतलब है थर्ड कॉलम, तो ये सेकेंड रो और थर्ड कॉलम ये इनके इंटरसेक्शन पे कौन बैठा है, 8, तो इसका मतलब ये होगा हमारा 8 होगा ना। ऐसे आप पता लगा सकते हो कि कौन सा कहाँ पर पड़ा हुआ है, आगे अपन नाम देंगे, टाइम अभी ख़राब नहीं कर रहे अपन इसमें, लेकिन मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा हर एलिमेंट की क्या लोकेशन होती है, कैसे पता होता है, पहले नाम में आएगा नंबर ऑफ रो, फिर बाद में पीछे आएगा नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम का नंबर पीछे आएगा बाद में, ठीक है। अब मैं ये एक बात बता देता हूँ, देखो कोई भी जो एलिमेंट होता है ये तो ठीक है आपको पता चल गया, बाकी कोई भी अगर एलिमेंट होता है जनरल, अगर उसको कैसे नोटेट करेंगे अपन, जनरल नोटेशन, तो जनरल नोटेशन में अपन किसी भी मैट्रिक्स को अपन रिप्रेजेंट करते हैं AIJ, ये AIJ मैट्रिक्स का एलिमेंट है, आई का मतलब तो है नंबर ऑफ रो, अब रो मुझे नहीं पता कौन सी फर्स्ट है, तो आई की जगह 1 आ जाएगी वैल्यू, सेकंड रो है तो आई की जगह कितना आ जाएगा 2, बट आई का मतलब है नंबर ऑफ रो, और जे का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम, जे का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम, और यहाँ पर उसका मैट्रिक्स का ऑर्डर आ जाता है M×N, ये भाई मैट्रिक्स का पूरा पर्टिकुलर नोटेशन है, ठीक है। जैसे मैं अगर आपको कहूँ कि भाई ये नोट कर लेना हो, साथ साथ लिखते रहना, जनरली सारे एग्जांपल मत लिखो, बाकी आपको लगे कि भाई हाँ ये चीज़ लिखनी वो लिखनी, जैसे ये चीज़ लिखनी है आपको जनरल नोटेशन, ठीक है। देखो मैं जैसे कह देता हूँ आपको कि भाई इसको मैट्रिक्स फॉर्म में एक्सप्रेस करो, एक मैट्रिक्स है AIJ 3×2 वाली मैट्रिक्स है। अब 3×2 की मैट्रिक्स को इसको फॉर्मेट में लिखना है आपको, तो 3 तो है, ये तो समझ जाओ नंबर ऑफ रो तो 3 है, 3 रो आएगी फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, 3 तो रो आएगी, और कॉलम कितना है, 2, 1, 2, दो कॉलम आएंगे। तो अब भरो इसको कैसे भरेंगे अपन, तो अब देखो यहाँ पे फर्स्ट रो है तो A1 और फर्स्ट कॉलम होगा A11, इसका क्या नाम होगा A12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और A1 कॉलम 2 ही है ना, ये 1 और सेकंड, ठीक है, A12 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये हो गया कॉलम 2 ही है। अब भाई थर्ड रो कंप्लीट करते हैं, अब ये सेकंड रो है, सेकंड रो मतलब रो नंबर सेकंड और एलिमेंट नंबर कॉलम नंबर 1, ये रो नंबर सेकंड और कॉलम नंबर 2 हो गया। अब इसको कंप्लीट करना है, ये कौन सी रो शुरू हो गई भाई, थर्ड वाली रो, रो नंबर थर्ड और कॉलम नंबर 1, और ये क्या है थर्ड नंबर रो और कॉलम नंबर सेकंड, बस ये लिख लिया मैंने ऐसे एलिमेंट्स, ठीक है। एक और एग्जांपल करते हैं, देखना अब आप समझ लोगे इसको अच्छे तरीके से। तो ये कुल मिला के आपको ये पता चल गया 3×2 की मैट्रिक्स है, तो 3 तो रो है और 2 कॉलम है इसके अंदर, ठीक है। इसको कैसे मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं मेरे ख्याल से ये भी आपको पता चल गया।
आप जब भी कोई एलिमेंट लिखते हैं तो पहले उसका रो का नंबर लिखेंगे, फिर उसके कॉलम का नंबर लिखना है, बाकी ज़्यादा कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, मैं ये कह देता हूँ ए आई जे जो है वो 3i-j है, ठीक है, 3i-j मैंने मन से बना दिया ऐसे। और मैं ये आपको कह रहा हूँ कि एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, अब की बार मैं कह देता हूँ 2×3 ऑर्डर की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करोगे, पूरे मैट्रिक्स बनाओ आप 2×3 की। तो भाई 2×3 की मुझे मैट्रिक्स बनानी है, तो मुझे इस 2×3 की मैट्रिक्स बनानी है तो उसमें क्या क्या आएंगे बताओ आप। तो रो आएगी, दो रो आएगी भाई, एक रो ये होगी R1 और एक रो यहाँ पे होगी R2, ठीक है। कितने कॉलम आएंगे, तीन कॉलम आएंगे, एक कॉलम इधर आएगा C1, एक कॉलम इधर आएगा C2 और एक कॉलम इधर आएगा C3, ठीक है। अब तो लिखो फिर यहाँ पे इस एलिमेंट का क्या नाम होगा, ए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1, 1। इसका क्या नाम होगा, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। ये मुझे ऐसी मैट्रिक्स बनानी है। तो अब भाई ये मैट्रिक्स बनानी है तो इसमें हर एलिमेंट की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकालनी है। तो अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये लिख लिया आपको एक बार बता दिया, बाकी मेन सॉल्यूशन अब स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो सबसे भाई मुझे ए आई जे दिया हुआ है 3i-j, तो मुझे सबसे पहले A11 निकालना है। क्या निकालना है, A11 क्या मतलब हुआ, 1 1 का ये i की वैल्यू होती है, i की जगह तो मुझे रखना है 1 और j की जगह कितना रखना है, ये पीछे वाला भी 1 है, i की जगह 1 और j की जगह 1, तो रखो भाई। तो 3 i की जगह 1 और j की जगह 1, तो 3-1 कितना हो गया 2। लो पहला एलिमेंट आ गया 2, ये निकालता हूँ भाई A12। तो अब मैं बार बार ये नहीं लिखूंगा, A12 का मतलब है i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू 2। अरे पहले वाला i होता है i नंबर ऑफ रो, सेकंड नंबर नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ कॉलम होता है, तो 1 2 निकालो भाई। तो 3 i की वैल्यू तो है 1 और j की वैल्यू है 2, तो 3-2 कितना हो गया 1 हो गया। लो ये भी आ गया, A13 बताओ कितना होगा। तो इसमें रखना है फॉर्मूले में 3 i की जगह 1 और j की जगह रखना भाई 3, कॉलम नंबर 3 है देखो i j, तो ये हो गया 0। चलो ये तो आ गया मेरे पास, ये तीनों तो आ गए भाई, ये निपट गया। अब नीचे वाला निकाल रहा हूँ मैं, यहाँ लिख रहा हूँ भाई मैं, है ना A21। अब 2-1 निकालते हैं अपन, तो 2-1 निकालना है तो i की जगह तो कितना रखोगे 2 और j की जगह कितना रखोगे 1, तो रखो इसके अंदर, इसमें रखना है सब। 3 i की जगह इस बार रखना है 2 माइनस j की जगह रखना है ये 1, पीछे वाला ये i है ये j है, आगे वाला i होता है पीछे वाला j होता है, बस इसमें क्या दिमाग लगाना। 6-1 हो गया 5, A22 निकालना है, फिर A23 निकालना है। लो 22 निकालना है तो i की जगह तो रखो 2 और j की जगह 2 रखो, तो 6-2 4 हो गया। अब लास्ट 23 चाहिए भाई मुझे, i की जगह 2 और j की जगह 3, 6-3 3 हो गया। अब मेरे पास पूरे मैट्रिक्स बन गए भाई, बनाओ। फर्स्ट A11 क्या आया आपके पास, 2 आया, A12 कितना आया 1, फिर आया 0, फिर कितना है ये 5 4 3, ये आंसर आ गया, कंप्लीट हो गई ये मैट्रिक्स, ठीक है। तो ऐसे अपन मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, अपने सारे एग्जाम के क्वेश्चन भी इसी तरीके से बहुत इजी। अब भाई मैं आपको मैट्रिक्स के टाइप्स बता देता हूँ फटाफट, सिंपली टाइप्स बता देते हैं, कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन आ रही है वो एक बार नोट डाउन कर लेना शॉर्ट शॉर्ट में, फिर अपन एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे। तो अपन बात करते हैं मैट्रिक्स के टाइप्स, बहुत सारे नाम होते हैं मैट्रिक्स के टाइप्स, तो क्या कहूँ उनको, ठीक है। सबसे पहला फर्स्ट नंबर रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स में ओनली 1 रो, एक ही रो होती है, एक ही रो, जैसे 2 4 6 ये लो, एक ही रो है, कॉलम कितने हैं 1 2 3, तो इसका क्या ऑर्डर होगा, 1 तो रो है और कॉलम कितने हैं 1 2 3, तीन कॉलम है, 1×3 की मैट्रिक्स है। तो ऐसे मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो होती है उसको कहते हैं ऑर्डर मैट्रिक्स, ठीक है, इस मतलब रो मैट्रिक्स। इसका जो ऑर्डर होता है, इसका ऑर्डर देखो, नंबर ऑफ रो हमेशा 1 होगा और कॉलम का नंबर कुछ भी हो सकता है, तो मैं कॉलम के नंबर को n कह देता हूँ, ठीक है, यानी m की वैल्यू 1 होगी, अपन m×n कहते हैं ना मैट्रिक्स के ऑर्डर को, तो m की वैल्यू होगी 1, बिल्कुल ईजी। दूसरा होता है कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है, ओनली 1 कॉलम, जैसे 4 6 1
-3 ये लो, ये कॉलम मैट्रिक्स है, इसमें कॉलम एक है, रो कितनी है, पहले रो लिखते हैं अपन। तो रो है भाई ये फर्स्ट रो है R1, सेकंड रो है R2, थर्ड रो है R3 और फोर्थ रो है R4 और कॉलम एक ही। तो रो तो है 4 और कॉलम है 1, 4×1 की मैट्रिक्स है, ठीक है। कॉलम पीछे आता है हमेशा ध्यान रख लेना, यूनिक मन में आया जैसे मैं इसको उल्टा कर दूँ, इसको पीछे कर दूँ, ऐसा नहीं चलेगा। कॉलम पीछे लिखा जाता है तो एक ही कॉलम है तो पीछे आएगा, ये रहा खड़ा कॉलम, बिल्डिंग एक ही, ठीक है। तो इसका ऑर्डर हमेशा जो है ना, इसका ऑर्डर नंबर ऑफ रो, तो नंबर ऑफ रो तो कुछ भी हो सकता है, एम हो सकता है, पर कॉलम वन ही होगा, तो ये कॉलम मैट्रिक्स होगी। एक होती है स्क्वायर मैट्रिक्स, ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं, इक्वल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम, दोनों के नंबर इक्वल होते हैं, ठीक है। जैसे 2, 4, -1, 3, ये 2×2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, दो तो रो है, फर्स्ट रो सेकंड रो और कॉलम भी दो है, 1, 2, ये खड़े कॉलम होते हैं और ये रो होती है 2×2 की, इसमें दो ही तो रो है, दो ही कॉलम है, दोनों सेम होंगे। ऐसे हो गई, मान लो 6, -1, 4, 2, 3, 6, 0, 1, -1, कितनी रो है भाई, 1, 2, 3, 3 तो रो, कॉलम कितने हैं, 1, 2, 3, 3×3, तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल होते हैं, तो उसको कहते हैं अपन स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर फॉर्मेट बन रहा है, ये स्क्वायर है। बाकी जनरली रेक्टेंगल टाइप भी हो सकते हैं मैट्रिक्स, कब, जब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम डिफरेंट हो, पर यहाँ पे दोनों सेम है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स में ये जो आ रहा है, ये वाला, ये लाइन, इसको अपन इसका डायगोनल कहते हैं, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स का डायगोनल। डायगोनल वर्ड आप ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स में सुनोगे और कहीं पर भी नहीं मिलेगा। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर सेम। तो इसमें एक वर्ड सुनेंगे अपन डायगोनल, ये डायगोनल होता है, ये वाले एलिमेंट्स, मैं कहूँ डायगोनल के कौन से एलिमेंट है, 6, 3, -1, ठीक है। यहाँ पर डायगोनल के एलिमेंट्स कौन है, 2 और 3, क्लियर। डायगोनल एलिमेंट्स की खासियत ये है कि देखो, इस डायगोनल एलिमेंट्स जो है, ये वाला जो डायगोनल एलिमेंट्स है, ये 1, 1 है, देख रहे हो आप, पहली रो और पहला कॉलम, ये वाला सेकंड रो और सेकंड कॉलम, A2, 2, और ये वाला A3, 3। तो जो डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए रो और कॉलम के नंबर सेम होते हैं, ठीक है, ये इसको कहेंगे डायगोनल एलिमेंट्स। अब डायगोनल एलिमेंट के बेस पे और टाइप्स बन जाते हैं मैट्रिक्स के। तो जो स्क्वायर मैट्रिक्स में जो मैंने डायगोनल के बारे में बात की, उसी से रिलेटेड एक होती है डायगोनल मैट्रिक्स, फोर्थ नंबर, अभी डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, ओनली डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो, डायगोनल के एलिमेंट्स नॉन जीरो होंगे और रेस्ट एलिमेंट जीरो, सारे के सारे बाकी जीरो, ओनली डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो एंड रेस्ट आर जीरो। क्या मतलब हुआ इसका, कैसे, देखो 2, 0, 0, 0, -1, ये एक मैंने मैट्रिक्स बनाई, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 तो रो है और 2 कॉलम है, स्क्वायर है। स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल का काम आएगा, इसमें डायगोनल कौन सा है भाई, ये डायगोनल है, देखो ये वाला डायगोनल है, चलो पैक कर लेता हूँ इसको मैं। तो ये जो डायगोनल है, इस डायगोनल के एलिमेंट तो नॉन जीरो, जीरो नहीं है, बाकी देख लो इसके बाकी सारे जीरो है, तो इसको कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें डायगोनल के एलिमेंट जो होते हैं वो नॉन जीरो होते हैं, बाकी सब जीरो। जैसे ये देखना -1, 0, 0, 0, 4, 0, 0, -1, ये लिख लिया। तो इसमें देख लो, ये डायगोनल है, इसका एलिमेंट कोई जीरो नहीं है, बाकी सारे रेस्ट जो है वो नॉन जीरो है, तो ये डायगोनल एलिमेंट है। हालांकि ये भी जीरो हो सकता है, सारे जीरो नहीं होते हैं, सारे जीरो भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स में सारे जीरो नहीं होते हैं, बट रेस्ट वाले तो जीरो होंगे होंगे भाई, ये तो जीरो होने ही चाहिए, ठीक है। तो ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, डायगोनल मैट्रिक्स। अगर ये सारे के सारे जो डायगोनल एलिमेंट्स है, ये तो जीरो है ही है, इनको भूल जाओ, अब जीरो है ये, डायगोनल मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ, ये सारे सेम हो जाते हैं, तो डायगोनल मैट्रिक्स का एक नया नाम हो जाता है, स्केलर मैट्रिक्स। तो देखना, डायगोनल का ही एक आगे टाइप निकल रहा है, फिफ्थ, स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स हुज ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर
इक्वल, सारे इक्वल हो। जैसे अब मैं यही ऊपर ही बता देता हूँ, ये दोनों टू टू हो गए, तो फिर इसका ये दोनों फिर टू टू हो गए तो फिर ये जो मैट्रिक्स होगी स्केलर मैट्रिक्स होगी भाई, क्योंकि डायगोनल है तो डायगोनल मैट्रिक्स है, बट डायगोनल का भी एक दूसरा नाम हो गया स्केलर मैट्रिक्स, क्योंकि सारे डायगोनल के एलिमेंट्स हैं हमें, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ, ये थ्री इंटू थ्री ऑर्डर की, ये सारे एलिमेंट्स मान लो रूट थ्री रूट थ्री और बाकी सारे जीरो, तो सारे डायगोनल के एलिमेंट्स सेम है, इसलिए ये भी कौन सी मैट्रिक्स होगी, स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर का एक दूसरा टाइप है, जैसे डायगोनल का स्केलर बना, स्केलर से एक दूसरा मैट्रिक्स बनेगा जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स जो है वो वन वन होंगे, ये हटा देता हूं मैं, जिसको आप कहोगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलो यहां लिख लेते हैं, सिक्स नंबर जगह है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स वन, मतलब यूनिट भी कह सकते हो इसको, ठीक है। बाकी वर्ड यही आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, जिसमें ऑल डायगोनल एलिमेंट जो है वन। जैसे इसका एग्जांपल दे देता हूँ, ये सब वन वन हो गए, वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन, तो इसमें सारे डायगोनल के एलिमेंट्स वन वन है, इसलिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। ये वाली जो मैट्रिक्स है इसमें भी अगर वन वन हो जाए तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये सारी स्क्वायर मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम से हम है, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स से बना आपके कौन सा डायगोनल मैट्रिक्स बना, डायगोनल से फिर अपने स्केलर बना, स्केलर से फिर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना। थोड़ा सा कुछ चेंज होते ही नाम नया हो गया इसका, ठीक है। देखना एक और, सेवन्थ नंबर जीरो मैट्रिक्स। अब नाम ही जीरो है, खाली ठाली है, एकदम जीरो मैट्रिक्स, सब जीरो है, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। कोई मतलब ही नहीं इसका, जीरो जीरो सब जीरो, टू इंटू टू ऑर्डर की। ऐसे कैसे थ्री इंटू थ्री ऑर्डर की भी बना सकते हो जिसमें सारे एलिमेंट्स क्या हो, जीरो, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, ठीक है। फिर एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है, कोई जो ज्यादा कोई मतलब की है नहीं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है कि नॉन जीरो एलिमेंट जो है वो ट्रायंगल फॉर्म बनाते हैं, थ्री टू वन जीरो माइनस वन फोर जीरो जीरो वन। तो ये देखो, ये डायगोनल है ये, और इस डायगोनल के ऊपर ऊपर तो एलिमेंट है एक तरफ, नीचे एलिमेंट नहीं, ठीक है, यहाँ जीरो जीरो है। तो ये जो है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, कोई काम की नहीं है, कोई यू लिख लिया अपने टाइम पास करने के लिए, ठीक है। अब ये सारी डेफिनेशन पढ़ लिया आपने, तो एक एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आप लोगों को। देखो ये जो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़, अब अपन बात करेंगे भाई मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो मैट्रिक्स होती है इसका जनरली ज्योमेट्री में भी यूज़ आता है। जैसे ज्योमेट्री में कोई शेप है, उसके अगर कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल है ये, कोई क्वाड्रिलेटरल है, इसके फोर कोऑर्डिनेट्स है, ए कोऑर्डिनेट है टू वन, बी कोऑर्डिनेट है माइनस वन जीरो, सी कोऑर्डिनेट है माइनस वन टू, कोई डी कोऑर्डिनेट है फोर थ्री, ठीक है। तो इसको कोऑर्डिनेट्स को आप मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हो आप। जैसे इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, टू वन, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, माइनस वन जीरो, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे भाई, माइनस वन टू, और पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, फोर इंटू थ्री। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, जैसे इस पॉइंट के, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं, टू वन, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं, माइनस वन जीरो, और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट कितने हैं, माइनस वन टू, और पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट कितने हैं भाई, फोर थ्री, ठीक है। ये ए बी सी डी कुल मिला के कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट दो ही होते हैं, तो इसमें या तो फिर कॉलम में अगर आप अरेंज कर रहे हो तो नंबर ऑफ कॉलम जो है वो टू हो जाएंगे, और अगर आप रो के हिसाब से अरेंज कर रहे हो तो नंबर ऑफ रो जो है वो टू हो जाएगी, ठीक है। तो इसका जनरली आप कोई पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी एक्सप्रेस करने में, ज्योमेट्री का कोई शेप है उसके कोऑर्डिनेट्स एक्सप्रेस करने में भी मैट्रिक्स का यूज़ करते हो, ठीक है। अब अपन लास्ट एंड फाइनल इक्वल, एक इक्वल वाली प्रॉपर्टी देख लेते हैं मैट्रिक्स की, फिर इसके बाद अगली एक्सरसाइज के अंदर जो है मैट्रिक्स के ऑपरेशंस आएंगे। तो अभी अपन देख लेते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स।
इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स दे दे आपको, डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग मैट्रिक्स, और आपको कहा जाएगा वो दोनों इक्वल हैं, तो कैसे इक्वल होगी? ठीक है, इफ टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर इक्वल, देन दो मैट्रिक्स ए और बी इक्वल है तब क्या होगा? तो दो दो सिचुएशन होगी तब वो आपस में इक्वल होगी। फर्स्ट, तो दोनों का ए और बी जो है ऑर्डर सेम होना चाहिए, बोथ शुड हैव सेम ऑर्डर, बोथ हैव सेम ऑर्डर, ऑर्डर सेम होना चाहिए। एक में अगर 3x2 की मैट्रिक्स है तो दूसरे भी 3x2 की होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि एक 3x2 की है एक 2x3, तब वो फिर इक्वल मैट्रिक्स की कैटेगरी में नहीं आएगी, उन दोनों को आप इक्वल नहीं कर सकते। फिर सेकेंड जो मेन बात है, बोथ ए एंड बी हैव इक्वल कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, दोनों के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, सेम पते वाले एलिमेंट सेम होने चाहिए। जैसे 1-1 वाला इसका जो एलिमेंट है वो उसका भी 1-1 वाला सेम होना चाहिए। 1-1 समझते हो, 1-1 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसका 3-2 वाला, इसका 3-2 वाला है तो इसका भी 3-2 वाला वही होना चाहिए, सेम होना चाहिए। 3-2 का मतलब क्या हुआ? 3 का मतलब तो है थर्ड रो और 2 का मतलब है सेकंड कॉलम। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स है, ए वाली मैट्रिक्स 3x y 2, और एक दूसरी मैट्रिक्स है, ठीक है 3 4 6 2, ये दोनों मैट्रिक्स। क्वेश्चन ने कह दिया कि दोनों इक्वल है, इक्वल है तो ऑर्डर देख लो पहले, तो इसका ऑर्डर, इसमें रो कितने आ रही है 2, कॉलम कितने आ रहे हैं 2, इसमें कितनी रो आ रही है, इसमें भी 2 रो और 2, तो सेम ऑर्डर है, ऑर्डर सेम होना चाहिए पहली बात तो। और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है इक्वल है, क्वेश्चन कह रहा है इक्वल है, और एक्स को और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, तो 3 है तो इधर भी 3 आ रहा है, ये तो इक्वल है ही, यहाँ 2 आ रहा है तो इधर भी क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो इसका मतलब बाकी सब भी एलिमेंट सेम होने चाहिए, और क्वेश्चन खुद ही कह रहा है इक्वल मैट्रिक्स है। तो इधर एक्स है तो इधर 4 है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू तो आ गई 4, और इधर वाई आ रहा है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये भी इसके बराबर होने चाहिए दोनों, तो इसकी जगह आ रहा है 6, तो ये एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो दो इक्वल मैट्रिक्स में कुछ नहीं होता है। अब लंकी मैं आपको ज़्यादा डिटेल एग्जाम्पल इसलिए नहीं दे रहा हूँ, एक्सरसाइज में है अपने पास ऑलरेडी, ठीक है, लेकिन दो इक्वल मैट्रिक्स तभी इक्वल होगी जब ऑर्डर सेम होना चाहिए पहली बात तो। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक मैट्रिक्स तो आपको ऐसे दे दी क्वेश्चन ने, ये दे दी मैंने, जैसे मान लो a1 a2 a3 b1 b2 b3, और एक मैट्रिक्स ये दे दी मैंने x1 x2 x3 y1 y2 y3, और मैंने कह दिया ये इक्वल मैट्रिक्स है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। कैसे इक्वल करोगे? ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये किसके इक्वल होगा? ये तो लापता है, इसका तो कोई ठिकाना ही नहीं सामने वाला, तो फिर पॉसिबल नहीं है। तो कंपेयर तो तभी कर सकते हो आप जब ऑर्डर इक्वल हो, ठीक है। तो अपन टाइम ख़राब नहीं कर रहे हैं, सीधी अपन क्या स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। बुक हाथ में ले लो आप, बुक आपको देखनी है, क्वेश्चन आपको देखना है, और मैं फटाफट सॉल्व करा रहा हूँ। तो बच्चों अपन एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 3.1, और फर्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, 3.1 को तो अपन यूं ही निपटा देंगे इसको फटाफट, ठीक है, इजी क्वेश्चन है एक्सरसाइज ही, सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने लिख लिया मैंने, ये पूरा पढ़ा है, ये एक मैट्रिक्स दी हुई है, क्लियर, और इसमें कहा ऑर्डर पूछो। अब ये कोई पूछने वाली बात है क्या? ऑर्डर क्या है इसका? फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 3 तो रो आए हुए, तो ऑर्डर का मतलब होता है रो, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, है ना। तो कितनी रो है बताओ भाई इसमें? 1 2 3, फर्स्ट रो ये है R1, सेकेंड रो R2 और थर्ड रो R3, तो 3 तो है रो इंटू कॉलम कितने हैं? फर्स्ट सेकेंड C1 C2 C3 और C4, 4 कॉलम है, 3x4 की जो है आपके मैट्रिक्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट, अब लो नंबर ऑफ एलिमेंट पूछे आपसे तो मल्टीप्लाई कर दो 12, ठीक है, बिल्कुल इजी, ये कोई ऐसे ये थोड़ी पूछे जाते हैं ऐसे। थर्ड नंबर पूछा है राइट द एलिमेंट्स, अब ये ठीक है, इस पे थोड़ा सा अपन दिमाग लगा लेते हैं। ये भाई एक एक एलिमेंट का पता दिया हुआ है, खुद को दिमाग लगाना है कौन सा एलिमेंट कहाँ पड़ा है, तो थर्ड क्वेश्चन एक एक करते हैं।
कौन सा एलिमेंट बताना है मेरे को, A13 पता करना है, A21 पता करना है, A33 भी पता करना है, A24 पता करना है और A23 पता करना है। ये सब इसमें से कौन कौन से हैं छांट छांट के बताना है आपको। पहले बात करते हैं 1-3। 1 का मतलब है पहली तो रो, ये लो फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो। और 3 का मतलब कॉलम थर्ड, फर्स्ट रो ये R1, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम ये लो थर्ड कॉलम। दोनों के इंटरसेक्शन पे कौन बैठा है, ये बैठा है 19। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पे 19 दिख रहा है, इसमें मैं क्या बताऊँ आपको, 19। 2-1, 2-1 का मतलब सेकेंड रो, ये रही सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम ये रहा फर्स्ट कॉलम। दोनों के इंटरसेक्शन पे कौन आ रहा है देख लो, 35, ये 35 है। ठीक है, ये तो एक बार में समझ में आ जाना चाहिए। 3-3, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये बैठा भाई -5। 2-4, सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम, ये रहा फोर्थ कॉलम, देखो सेकेंड रो ये रही फोर्थ कॉलम ये रही, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन पे ये 12 आ रहा है। ठीक है, 2-3, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम 5/2, सारे आंसर आ गए भाई, पता ही तो बताना था कौन कहाँ रहता है। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं अपन। देखो बच्चों, अपन अब सेकेंड क्वेश्चन कर रहे हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, मैं रीड कर रहा हूँ, आप बुक पास में लेकर के बैठे। इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट। 24 एलिमेंट्स वाली मैट्रिक्स बनानी है तो कितने पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे, टोटल एलिमेंट्स कितने कह रहा है क्वेश्चन हमें, 24, तो पॉसिबल ऑर्डर्स कौन से होंगे। ठीक है, देखो आपको इसमें है ना एक कॉन्सेप्ट काम में लेना है, 24 में किस किस का डिवाइड जाता है, किस किस का आप डिवाइड कर सकते हो 24 में। तो मुझे पता है, मैं 24 में 1 का तो डिवाइड होता ही होता है भाई, 1 का तो डिवाइड कर सकते हो आप, तो एक तो 1 का डिवाइड हो रहा है 24 के अंदर। ठीक है, तो 1 का डिवाइड करोगे तो 24 ही आएगा। फिर एक 24 में आप किसका डिवाइड कर सकते हो, 24 में मैं 2 का डिवाइड कर सकता हूँ, तो 2 का 24 में डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 12 ही तो आएगा। फिर 3 का भी तो डिवाइड कर सकते हैं 24 में, 8 आएगा। फिर 24 का, 24 में 4 का भी डिवाइड हो सकता है, 6 आ जाएगा, है ना। फिर 5 का और 6 का बाकी हो नहीं सकता, ये है डिवाइड होने वाले, ये फैक्टर्स हो सकते हैं, 1, 6, 1, 2, 3, 4, सबसे छोटे फैक्टर्स ये है। ठीक है, तो अब पॉसिबल ऑर्डर्स कौन से होंगे, एक तो 1 × 24, क्योंकि 1 और 24 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ ही रहा है देखो, और यानी एक तो रो हो जाए और 24 कॉलम हो जाए, या इसका उल्टा भी तो हो सकता है, 24 तो रो हो जाए और एक ही कॉलम हो जाए, तो ये दो ऑर्डर तो ये हो गए। फिर अभी मैंने कहा 24 में 2 का भी डिवाइड जा रहा है, 2 का डिवाइड जा रहा है यानी 12 आ रहा है, तो 2 × 12 भी तो 24 होते हैं। तो एक ऐसी मैट्रिक्स भी हो सकती है जिसमें 24 एलिमेंट हो, 2 रो हो, 12 कॉलम हो, इसका उल्टा भी पॉसिबल है, 12 × 2। फिर मैंने 3 का भी तो डिवाइड दिया है, तो 3 × 8 वाली तो एक मैट्रिक्स हो सकती है, 3 × 8 वाली जिसमें 24 एलिमेंट्स हो। इसने कहा 24 एलिमेंट्स के कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, 8 × 3 का भी हो सकता है, फिर 4 × 6 का और 6 × 4 के भी हो सकती है, तो ये इतने सारे पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे। कितने होंगे भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ऑर्डर्स, 8 ऑर्डर्स जो है वो पॉसिबल है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसने एक लाइन और डाली है, एक पीछे लाइन डाल दी इसने, 13 एलिमेंट्स हो तो क्या करो, तो 13 में किसका डिवाइड होता है, अरे 13 में खाली 1 का ही होता है और किसी का डिवाइड नहीं हो सकता है, तो 13 एलिमेंट्स वाले कितने पॉसिबल ऑर्डर होंगे, तो भाई दो ही होंगे, 13 × 1 और 1 × 13। तो बस ये आंसर आ गया भाई इस क्वेश्चन का, सेकेंड का, ये तो बिल्कुल ईजी था, ये तो खाली यूँ बस आपका टेस्ट ले रहा है कि आपको नॉलेज है कि नहीं, होशियार हो कि नहीं हो, तो इसलिए ये तो ईजी क्वेश्चन है, इनमें ज़्यादा लोड लेना ही नहीं है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, तो बच्चों अपन थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, वापस जो सेकंड किया वही वापस थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है, अब इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट, कितने एलिमेंट है, 18, व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर्स, तो भाई 18 एलिमेंट्स है तो कितने पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे, तो वापस वही काम करना है अपन को, 18 एलिमेंट्स है तो 18 में किसका डिवाइड करोगे आप, 18 में एक तो 1 का डिवाइड करोगे तो वापस 18 ही आएंगे। ठीक है, और किसका डिवाइड होता है भाई 18 में, 18 में किसका डिवाइड होता है, 2 का भी डिवाइड होता है ना, 6 आएगा,
और 18 में किसका डिवाइड कर सकते हैं आप, 18 में 3 का डिवाइड कर सकते हैं, सॉरी 6 के 9 आएगा, इसका डिवाइड करोगे 6 आएगा 18 में, और तो इनके अलावा किसी का हो नहीं सकता, ठीक है। तो फिर क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे, एक तो 1 का 18 में डिवाइड होता है तो 1 इंटू 18 वाला एक ऑर्डर पॉसिबल होगा, ठीक है, और फिर इसको उल्टा 18 इंटू 1, अभी जो हमने वो क्वेश्चन किया वापस वही कॉपी हो रहा है। फिर 2 का डिवाइड हो रहा है 18 में 9 टाइम्स, 9 इंटू 2 18 होता है और इसका उल्टा हो जाएगा, बस देख रहा उसमें डिवाइड किन किन का जा रहा है, 1 का तो डिवाइड जाएगा ही जाएगा, ठीक है। फिर 3 का डिवाइड किया था हमने, 3 इंटू 6 18 और 6 इंटू 3 18, क्लियर। फिर इसके आगे ये पूछ रहा है अगर 5 एलिमेंट्स हो तब क्या करोगे, ये तो 18 एलिमेंट्स के लिए पॉसिबल ऑर्डर्स आ गए, अगर 5 एलिमेंट्स होंगे तो 5 में तो भाई 1 का डिवाइड जाता है और इसका उल्टा 5 इंटू 1, 1 और 5 का जाता है, इसलिए ये हो गया, ठीक है, ये मैंने कर लिया। भाई देखो यू तो 3 इसमें 3 का जा रहा है, फिर इसके आगे 6 का भी जा रहा है, पर 6 9 18 इधर आ गए हैं, इसलिए 1 2 3 वापस रिपीट नहीं करना आपको, ठीक है ना, क्योंकि हम उल्टा कर ही रहे हैं इनको। नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स AIJ, अपन को एक 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है, और उसके एलिमेंट्स दिए जा रहे हैं, तो इसका फर्स्ट पार्ट है वो अपन कर लेते हैं, AIJ इक्वल टू i+j अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब ये अपन को एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, और अपन को ये एलिमेंट दिया हुआ है और अपन को इससे मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, भाई 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है, 2x2 की मैट्रिक्स के अंदर जो है कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं ये पहले यहाँ पे मैप बना के रख दो आप। तो इसमें फर्स्ट a11 होगा, a12 होगा, a21 होगा और a22 होगा, ये तो पता ही आपको। 2x2 का मतलब है 2 तो रो है और 2 ही कॉलम है, ठीक है, तो इसको कहेंगे a11, इसको कहेंगे a12, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर अगली रो स्टार्ट हो गई, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये एलिमेंट्स निकालने हैं मेरे को, ये चारों एलिमेंट्स निकालने हैं भाई। तो अपन एक एक एलिमेंट्स निकालते हैं, सबसे पहले निकालते हैं फॉर a11। अब आप a11 निकालोगे तो इधर i की जगह तो रखना है 1 और j की जगह भी कितना रखना है 1 रखना है आपको, ठीक है, इस फॉर्मूले में रखना है i की जगह 1 और j की जगह भी 1 रखना है, तभी आपके ये एलिमेंट पता चलेगा क्या एलिमेंट है। तो रखो आप i की जगह 1 रखो भाई और j की जगह भी 1, तो 1+1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 का होल स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट निकालते हैं a12, अब तो ये मुख जबानी होना चाहिए आपके, a12 निकालना है, a12 के लिए i की जगह तो रखेंगे 1, ये पहली वाली i की वैल्यू है, और j की जगह रखेंगे अपन 2, तो रखो भाई i की जगह तो 1 और j की जगह 2, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/2, ये हो गया। थर्ड a21, अपन को a21 निकालना है, a21 के लिए i की जगह तो 2 और j की जगह 1 रखना है, तो देखो ये क्या आएगा बताओ, 2 1, i की जगह तो रख दो भाई 2 और j की जगह रख दो 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 3 का होल स्क्वायर 9/2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या निकालना, लास्ट a22, तो a22 के लिए i की जगह 2 और j की जगह भी क्या रखना है 2 रखना है, ये तो बिल्कुल इजी है यार, इसमें क्या कंफ्यूज होना अपन को, रखो। एक बार मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनका पता होना चाहिए, इसको क्या कहते हैं इसको क्या कहते हैं, और कहने में कुछ नहीं कहते हैं, पहले रो का नाम आएगा फिर कॉलम का नाम आएगा बस, हर बार ये i का मतलब रो है, j का मतलब उसका कॉलम है, एड्रेस है ये, i का मतलब रो का एड्रेस, j मतलब कॉलम का एड्रेस। तो भाई 2 2 की कॉलम की 2 2 की रो कितनी है 2 और कॉलम कितना है 2, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16/2 8 हो गया, ये लो सारे एलिमेंट आ गए, तो अब अपने पास ये मैट्रिक्स बन गई। a11 कितना है भाई, a11 2, a12 कितना आया 9/2, सेकेंड 2 1 कितना आया 9/2, ये सब रख रहा हूँ मैं 2 1, a22 कितना आया मेरे पास 8, तो ये सब के वैल्यूज आ गई और ये आंसर आ गया, क्लियर। तो बस ये ऐसे, अब मैं अगला सेकंड नंबर क्वेश्चन कर रहा हूँ, सेकंड पार्ट जो है बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अ
अब आई अपॉन जे दे दिया अपन को, एलिमेंट का नाम है आई अपॉन जे, और अपन को एक एक एलिमेंट निकालना है, वापस ये एलिमेंट निकालने हैं, टू इंटू टू की मैट्रिक्स बनानी है। A11 क्या होगा बताओ, एक A11 निकालना है, A12 निकालना है, A21 निकालना है और A22 निकालना है। A11 निकालते टाइम आई की जगह 1, जे की जगह 1, A12 निकालते टाइम आई की जगह 1 और जे की जगह 2, A21 निकालते टाइम आई की जगह 2 और जे की जगह 1, A22 निकालते टाइम आई की जगह 2, जे की जगह भी 2, ये रखने हैं खाली पते हैं। तो रखो भाई फर्स्ट वाला ये रखो 1 1, तो आई की जगह 1 और जे की जगह 1 रखोगे तो 1 आ जाएगा, आई की जगह 1 जे की जगह 2 1/2, आई की जगह 2 जे की जगह 1 2 हो जाएगा, 2/1 2 होता है, आई की जगह 2 जे की जगह 2 2 2 1 हो गया। तो आ गया ना अपने पास मैट्रिक्स, पहला क्या आ गया A11, A11 कितना आया भाई 1, A12 आया हाफ, ये आया 2, ये 1, ये आंसर आ गया। बस लिख लिया, कुछ नहीं करना है यार, आई और जे की वैल्यू रखनी है बस, चारों एलिमेंट निकालने हैं भाई, A11, A12, A21, A22, ठीक है। फर्स्ट वाली आई की वैल्यू, दूसरी वाली जे की वैल्यू रखो, आई की जगह 1, जे की जगह भी 1, 1 + 2 = 2, 2 2, ये समझ में आ रहा है ना आप लोगों को भाई। देखो इसमें A11 का मतलब है आई की जगह 1 रखना है, जे की जगह भी कितना रखना है 1, तो रखो लो रखते हैं अपन, आई की जगह 1 ये लो 1 + 2, जे की जगह भी कितना रखना है 1, क्योंकि जे की वैल्यू भी कितनी है 1, ये देखो का होल स्क्वायर अपॉन 2, 1 + 2 × 1 2 हो जाएगा अपॉन 2, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 9/2। बस ऐसे अब बाकी सारे एलिमेंट निकालने हैं, तो अब निकालना अपन को 1 2, तो 1 2 निकालना है, आई की जगह तो 1 रख दो, 2 × जे की जगह 2 रख दो, बाकी अपॉन 2 ऐसे कैसे लिख लिया मैंने, तो 1 + 2 × 2 = 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2 5 25/2 हो गया। A21 कितना आएगा, 2 1 का मतलब I की जगह 2 और J की जगह 1, 2 × 1 = 2 2 + 2 = 4, 4 का स्क्वायर होता है कितना 16 16/2 8 हो जाएगा। और नेक्स्ट A22, I की जगह 2 J की जगह 2, 4 + 2 = 6, 6 का स्क्वायर होता है 36 36/2 18 हो जाएगा। तो अपने पास एलिमेंट आ गए, A11 आ गया मेरे पास 9/2, A12 आ गया 25/2, A21 आ गया 8 और ये आया 18, बस ये आंसर आ गया। बस ऐसे मैट्रिक्स अपन को कंस्ट्रक्ट करनी कितनी भी बड़ी गए, अभी ये क्वेश्चन आएगा जिसमें बहुत बड़ा मैट्रिक्स बनानी है हमें, ठीक है आगे देखते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं अपन भाई, थोड़ा फटाफट करेंगे अब, क्वेश्चन है ना, टाइम भी कम है अपने पास और क्वेश्चन भी ज़्यादा है, तो थोड़ा फटाफट करेंगे अपन। कंस्ट्रक्ट अ 3 × 4 मैट्रिक्स, अपन को मैट्रिक्स बनानी है 3 × 4 के मैट्रिक्स, 3 तो रो है और 4 एलिमेंट है, ठीक है, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, और उसका एलिमेंट ये दे दिया ए आई जे अपन को दे दिया है 1/2 मॉड्यूलस -3i + j, ठीक है ये मैट्रिक्स बनाना है। और सेकेंड नंबर क्वेश्चन आप खुद करोगे, मैं फर्स्ट पार्ट करा देता हूँ उसका, ठीक है। तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं अपन 3 × 4 की, 3 × 4 की मैट्रिक्स बनानी, पहले फॉर्मेट सेट कर दो, पहले ये अपन को फॉर्मेट सेट कर देना है। 3 × 4 का मतलब है 3 तो रो है और 4 कॉलम है, 3 रो बनानी है, 3 रो A11 A21 और A31, 3 रो बनेगी, 3 रो और 4 कॉलम बनाने हैं, 4 कॉलम बनाओ, A11 A12 A13 A14, ठीक है। नेक्स्ट A22 A23 और A24, A31 तो आ गया, 32 A33 A34, ये ऐसी हमारे मैट्रिक्स बनेगी भाई 3 × 4 की, बड़ी मैट्रिक्स, बहुत बड़ी मैट्रिक्स है, तो अपन इसको बनाते हैं। ये A11 निकालना है तो I की जगह 1 और J की जगह 1,
ए वन टू निकालना है तो आई की जगह वन और जे की जगह टू रखना है बस, बाकी कुछ नहीं है। तो थोड़ा मैं फास्ट करूँगा, आई की जगह वैल्यू पहले वाली रखनी है, जे की जगह दूसरी वाली वैल्यू रखनी है, तो एक एक निकालते हैं अपन, ठीक है। ए वन वन रखो भाई, वन बाई टू मॉड्यूलस माइनस थ्री, आई की जगह रखना, आई की जगह कितनी वैल्यू रखोगे, वन, आई की जगह वन है ये, आई की जगह वन, जे की जगह भी वन रखना है, रखो फिर। वन बाई टू माइनस थ्री, आई की जगह वन और जे की जगह भी वन। माइनस थ्री में से भाई माइनस थ्री इंटू वन कितना होता है, माइनस थ्री, माइनस थ्री प्लस वन कितना हो जाएगा, माइनस टू, कितना हो गया, माइनस टू। अब ये मॉड्यूलस का मतलब होता है कि भाई जो भी अंदर नेगेटिव हो उसको पॉजिटिव कर दो आप, प्लस कर दो। तो माइनस टू को अपन मॉड्यूलस से जैसे ही बाहर लाएंगे तो ये टू बन जाएगा और टू टू डिवाइड होके हो गया वन, पहला एलिमेंट आ गया वन। नेक्स्ट वन टू बताओ क्या होगा, आई की जगह वन, जे की जगह टू रखो पे, हाफ माइनस थ्री, आई की जगह वन, सब में आई की जगह वन वन रखना है इनमें फर्स्ट वालों में, और जे की जगह टू। थ्री में से टू गए भाई माइनस वन, माइनस वन मॉडुलस से बाहर आएगा तो वो वन हो जाएगा, ये थ्री में से टू गए, थ्री इंटू वन थ्री माइनस थ्री होगा, टू गए तो माइनस वन, तो और माइनस वन का मॉडुलस वन होता है, तो वन बाई टू आ गया। लो लो आप बताओ अगला, वन थ्री यहाँ लिख लेता हूँ मैं, वन थ्री हाफ थ्री, आई की जगह तो वन रखना है प्लस जे की जगह ये थ्री रखना है, तो ये थ्री से थ्री कट के जीरो। अब वन फोर हाफ माइनस थ्री, आई की जगह वन और जे की जगह फोर, तो फोर में से थ्री गए तो वन रह गया, वन बाई टू आंसर आ गया। ये लो भाई पहले निकल, इतनी मेहनत करनी है, बेफालतू की मेहनत है, कोई मतलब नहीं इसका क्वेश्चन की, कोई ऐसे लल्लू बंजू क्वेश्चन अब आ सकते हैं पर कोई इतने बड़े क्वेश्चन जनरली नहीं आते हैं, और आते भी हैं तो अपन कर लेंगे, टाइम खराब करना है। निकालो भाई सेकंड, अभी तो इतना पड़ा दूर है, टू वन निकालना है, टू वन का मतलब है आई की जगह टू और जे की जगह वन, तो आई की जगह टू और जे की जगह वन। माइनस सिक्स प्लस वन माइनस फाइव, और माइनस फाइव माइनस सिक्स प्लस वन माइनस फाइव होता है, और माइनस फाइव मॉड्यूलस से बाहर आके फाइव बन जाएगा, मॉड्यूलस के अंदर नेगेटिव नहीं रहता है, नेगेटिव हट जाता है पॉजिटिव हो जाता है। ए टू टू बताओ भाई क्या होगा, टू और इसकी जगह भी टू, सिक्स में से टू गए फोर बाई टू, फोर बाई टू टू आ जाएगा, ए टू थ्री टू और जे की जगह रखना थ्री, माइनस सिक्स प्लस थ्री माइनस थ्री बाई टू और प्लस थ्री बाई टू हो जाएगा टू फोर, वन बाई टू माइनस थ्री टू प्लस फोर, सिक्स में से टू गए माइनस, देखो सिक्स में से फोर गए तो माइनस टू, माइनस टू मॉड्यूलस से बाहर आएगा टू हो जाएगा, टू बाई टू वन हो गया, ये लो ठीक है। अब जगह हो रही है मेरे पास कम, अब निकालो भाई थ्री वन, थ्री वन थ्री टू थ्री थ्री और थ्री फोर, निकलो भाई थ्री वन रखना है, तो हाफ माइनस थ्री, आई की जगह तो रखना है थ्री और जे की जगह वन, माइनस नाइन प्लस वन माइनस एट, माइनस एट रूट इससे मॉडुलस से बाहर आएंगे तो प्लस एट, एट डिवाइडेड बाई टू फोर हो गया, थ्री बाई टू करो भाई, हाफ माइनस थ्री इंटू थ्री हो जाएगा, ठीक है आई की वैल्यू थ्री है प्लस जे की जगह टू, नाइन में से टू गए सेवन, प्लस के सेवन बाई टू, माइनस तो आने ही नहीं है मॉडुलस लगा हुआ है, थ्री थ्री रखो भाई, तो इसकी जगह नाइन माइनस सिक्स, सिक्स बाई टू थ्री हो जाएगा, और लास्ट में थ्री फोर रखना है तो माइनस थ्री इंटू फोर, माइनस थ्री नाइन, नाइन में से फोर गए फाइव बाई टू, फाइव बाई टू ये सारे एलिमेंट्स आ गए। तो फाइनली अब इस जगह पे इन सारे एलिमेंट्स को रख दो आप, आंसर आ जाएगा। तो एक्चुअली इसके नीचे लिखना आपको आंसर, पर मेरे जगह नहीं है इसलिए मैं इसी में फिट कर रहा हूँ, इसी में डाल रहा हूँ, ठीक है। तो आपके क्या आंसर आएगा, देखो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, चलो इसको हटा ही देता हूँ। तो मेरे आंसर आएगा भाई, पहला वाला फर्स्ट क्या है, ए वन वन कितना आया, ए वन वन ये रहा, ये रहा कहाँ है, वन वन, ए वन टू आया हाफ, ज़ीरो हाफ, फिर आया फाइव बाई टू, फिर आया टू,
फिर 3/2, फिर 1, फिर 4, फिर 7/2, फिर 3 और फिर 5/2। बस ये आ गई मैट्रिक्स बन गई भाई 3×4 ऑर्डर की, देख लेना। मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, ये क्वेश्चन कर ले। इसका सेकंड पार्ट आप करना, सेकंड पार्ट के अंदर आपसे वापस एक मैट्रिक्स बनाने को कहा गया है, और वो जो मैट्रिक्स है वो बिल्कुल ईजी है। उसका जो एलिमेंट है इसका सेकेंड पार्ट है, ठीक है, उसमें एक मैट्रिक्स बनानी है aij, उसका है 2i-j। तो ये तो बहुत ईजी, अपन ने एग्जाम्पल में स्टार्टिंग में क्वेश्चन लिया था ऐसे ही। तो ये आप मैट्रिक्स बना दोगे 3×4 की, ठीक है। अब अपन आइडेंटिटी या इक्वलिटी जो है मैट्रिक्स की, उसके ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें अपन को क्वेश्चन दो मैट्रिक्स इक्वल देगा और अपन को एक्स वाई जेड जो भी अननोन वैल्यूज है वो फाइंड आउट करनी है। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, पढ़ लेता हूं मैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन, एक इक्वेशन दे दिया आपको। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं अपन 4×3x5yz15, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ और एक्स वाई जेड की क्वेश्चन। अब ये डायरेक्ट एक तरीके से इंसल्ट है आपकी, ये क्वेश्चन ऐसे इजी क्वेश्चन देने का मतलब है, ठीक है। और ये कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कहीं मतलब आपको यूँ लगेगा भाई ये क्वेश्चन कैसे करें, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा परेशान होना नहीं है। देखो इक्वल मैट्रिक्स है तो हर एलिमेंट इक्वल होंगे, बस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, मतलब इसका ये पहला एलिमेंट और इसका पहला एलिमेंट इक्वल होंगे, इसका ये दूसरा एलिमेंट और इसका दूसरा एलिमेंट इक्वल होंगे, तीसरा तीसरा इक्वल, चौथा चौथा इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं। तो कंपेयर करो बस, ये 4 है और इधर y है, इसका मतलब y इक्वल टू आ गया 4, ठीक है। कंपेयरिंग फिर या z है या 3 है, z इक्वल टू 3 आ गया, लो x इक्वल टू 1 आ गया, ये लो हो गया ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन था क्या, मजाक थी, मजाक ही, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन देखते हैं अपन, सेकंड क्वेश्चन है भाई x प्लस वाई 2, 5 प्लस जेड एक्स वाई इक्वल टू 6, 2, 5, 8, ये क्वेश्चन करना है अपन को, ठीक है। कंपेयर करो बस, इक्वल मैट्रिक्स है ये, जो भी आपको क्वेश्चन देता है एक बार लिखा करो आप, ये गिवन है, कंपेयर करो भाई x प्लस वाई इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 1, 2 इक्वल टू 2 है, ये तो 2 है, ओ z दिए, 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, ये z है ना, ये z दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर, तो 5 प्लस जेड इक्वल टू 5। अभी 5 से 5 कट गया तो भाई सामने 0 रह गया, तो z की वैल्यू तो आ गई 0, z तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और एक्स वाई इक्वल टू 8, एक्स वाई इक्वल टू कितना आ गया, 8 आ गया। अब अपने पास बच गए x और y निकालना, तो इससे अगर मैं आपको कहूँ इसको रोक देता हूँ, इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम 1 से आप मुझे बताओ y की वैल्यू क्या आएगी या x की वैल्यू क्या आएगी, 6 माइनस y इक्वल टू आ जाएगा भाई 6 माइनस x, ठीक है। इसको मैंने इधर भेज दिया और ये पुटअप करो 3 में, पुटिंग इन 3, x और y की जगह रख दो 6 माइनस एक्स इक्वल टू 8, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो 6x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8, इनको सबको उधर ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। भाई 8 के फैक्टर्स करो के 6 आ जाए, तो 4 2 2 और 4 हो ही रहे फैक्टर्स, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8, ठीक है, दो फैक्टर हो गए, ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। और इन दोनों को सॉरी हाँ सही है, माइनस 4x माइनस 2x, ठीक है। अब कॉमन लो बस, सिंपली x कॉमन लोगे x माइनस 4, और ये कॉमन लो भाई माइनस 2 कॉमन लो, तो माइनस 2 कॉमन लोगे तो x, और माइनस कॉमन लोगे तो यह माइनस आ जाएंगे, 4 में से माइनस 2 कॉमन लिया आपने तो ये माइनस लग गया, ये 4 रह गए इक्वल टू 0, x माइनस 4 एक फैक्टर आ गया, x माइनस 2 एक फैक्टर रह गया इक्वल टू 0। ये तो फैक्टर्स तो करना आपको आना चाहिए, तो अगर इस फैक्टर को मैं 0 के बराबर करूँ, x माइनस 2 को 0 के इक्वल करूँ तो x इक्वल टू 2 आ रहा है, और इस फैक्टर को 0 के बराबर करूँ तो x इक्वल टू क्या आ रहा है, 4। तो x के दो वैल्यूज़ आ गई, कौन सी दो वैल्यूज़ आ गई, 4 और 2। तो फिर y की कितनी वैल्यू, y की भी दो वैल्यू आएगी, ये रहा y, ये यहाँ रख दो या यहाँ रख दो, चलो फ्रॉम 1 x प्लस वाई इक्वल टू 8 था ना, 6 था सॉरी, तो इसमें एक बार आप x की जगह कितना रखोगे, 2,
x इक्वल टू टू रखो और y कितना आता है, देखो रखो आप x की जगह टू रखोगे टू उधर चला जाएगा माइनस हो जाएगा फोर रह जाएगा y इक्वल टू फोर, और एक बार x की जगह आप फोर रख दो, आप जैसे x की जगह फोर रखोगे तो फोर उधर चला जाएगा तो y इक्वल टू टू आ जाएगा और z की वैल्यू तो जीरो आई है। ये आंसर आ गया भाई, सारे आ गए हमारे पास, ठीक है। ईजी क्वेश्चन था, बिल्कुल बेसिक सी मैथ्स है। थर्ड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बच्चों, एक्स प्लस जेड और वाई प्लस जेड 9 5 7, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स इक्वल है तो कंपेयर करो बस, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9। फर्स्ट ये ए की कॉलम है, इसमें रो 3 है, वो ये 3 × 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो कोई नहीं, पहले एलिमेंट इक्वल हो गए, दूसरे इक्वल कर दो और तीसरे इक्वल कर दो, इक्वेशन 1 2 और 3, ठीक है। अब इक्वेशन 1 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो भाई, 1 - 3 कर दो आप, डायरेक्ट ही माइनस कर दो आप, 1 में से 3 माइनस करोगे, देखो ये y में से y कट जाएगा भाई और z में से ये z भी कट जाएगा, तो पीछे रह गया x और 9 में से 7 माइनस हो गया तो कितना रह गया 2, ये लो x इक्वल टू 2 आ गया भाई, पहला आंसर आ गया। अब सब धड़ाधड़ आ जाएंगे कैसे, x इक्वल टू 2 आ गया तो यहाँ रखो 2 में, इक्वेशन नंबर 2 में रख दो आप, x की जगह 2 रख दो प्लस z इक्वल टू 5, तो z कितना आ जाएगा, इसको 2 को उधर भेज दो 3 हो गया, लो z भी 3 आ गया। अब इक्वेशन नंबर 3 ले लो, y मुझे नहीं पता, z की जगह ये 3 रख दो 7, 3 को उधर भेज दो तो 4 आ गया आंसर, ये लो ये भी आ गया, ठीक है, तो सारे आंसर आ गए। अब अपन नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, सेवन्थ नंबर क्वेश्चन। भाई आपके पास बुक आपके पास होनी चाहिए, क्वेश्चन आप देखें बुक से, एनसीईआरटी की बुक है, 3.1 एक्सरसाइज है। तो अब अपन क्वेश्चन देख रहे हैं, सेवन्थ नंबर, ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी, चार चार वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए बी सी डी, और एक मैट्रिक्स गिवन है अपन को, ठीक है, कंपेयर करो भी, ए माइनस बी किसके इक्वल है, माइनस वन के, सही है, ठीक है सब, और ये 2a + c किसके इक्वल है, 5 के, 2a - b किसके इक्वल है, 0 के, और 3c + d किसके इक्वल है भाई, 13 के, ये 4 इक्वेशन है, ठीक है। अब ये जो 4 इक्वेशन आपको दिए गए हैं, अब आपको इनको कैसे भी करके सॉल्व करना है, सिंपली मैथ्स काम में लेनी है और आपका आंसर आएगा, ठीक है। इक्वेशन 1 में से 3 माइनस कर दो, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3, भाई माइनस करना तो आता है ना, माइनस करना सिंपली है, नहीं आता तो सीख लेना, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो जिसको माइनस करेंगे उसके साइन रिवर्स हो जाएंगे, ध्यान रखना। तो माइनस करो भाई, ए में से 2a माइनस करोगे तो माइनस का a रह जाएगा, माइनस बी में से ये माइनस बी माइनस हो जाएगा, कट जाएगा भाई, हट गया चलो, और माइनस वन में से 0 माइनस करोगे तो माइनस वन, तो a इक्वल टू आ गया 1, कितना आ गया, a इक्वल टू 1 आ गया। माइनस करना आना चाहिए आप लोगों को, कैसे माइनस करते हैं, नहीं अगर आता है माइनस करना तो ऐसे यूँ पास में लिख लो आप, मैं कह रहा हूँ इक्वेशन 1 में से इक्वेशन नंबर 3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो पहले ये लिख लो a माइनस बी इक्वल टू माइनस 1, फिर ये लिख लो 2a - b 0, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, और ये तो 0 है, तो a में से ये माइनस 2a ऐड करोगे तो माइनस ए रह जाएगा, माइनस b में प्लस b ऐड करोगे तो कट जाएगा, माइनस 1 0 ही है, a की जगह आ गया 1, कितना आ गया 1। अब a 1 आते ही अपन सारी वैल्यूज़ निकाल देंगे, यहाँ से b आ जाएगा, यहाँ से c आ जाएगा, यहाँ से d भी आ जाएगा, ठीक है, तो वैल्यूज़ रखते हैं अपन फ्रॉम 1। इक्वेशन 1 में भाई a की जगह 1 रख दो, 1, अब ये b इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, तो b की वैल्यू आ गई 2, कितनी आ गई 2 आ गई, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2 ले लो भाई, 2a + c है,
तो टू ए की वैल्यू कितनी निकाली मैंने, ए की जगह तो वन निकाली, प्लस सी इक्वल टू फाइव। तो इस टू को इधर भेज दो, सी की जगह आ गया थ्री, कितना आ गया थ्री आ गया। अब लास्ट इक्वेशन नंबर फोर ले लो, थ्री सी कितना आया भाई, थ्री आया, सी की जगह थ्री आया, डी मुझे नहीं पता, इक्वल टू थर्टीन। तो ये नाइन को माइनस करोगे थर्टीन में से तो डी इक्वल टू आ जाएगा फोर। तो सारी वैल्यूज आ गई बस, ठीक है, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं अपन। एट नंबर एक क्वेश्चन है कि एक मैट्रिक्स है m इंटू n ऑर्डर की, ठीक है, और एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसके चार ऑप्शन दे दिए, पहला ऑप्शन दिया हुआ है m लेस देन n होता है, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है m ग्रेटर देन n होता है, तीसरा ऑप्शन दिया है m इक्वल टू n होता है, और d दिया है कि कुछ भी नहीं आता ही नहीं मुझे। तो क्या करोगे आप? तो हमें पता है स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स उसको कहते हैं नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं, तो इसका आंसर होगा सी, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे। ठीक है, नाइन्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं अपन। विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ द मैट्रिक्स इक्वल। तो आपको ऐसे दो इक्वल मैट्रिक्स दे दी, थ्री एक्स प्लस सेवन फाइव, वाई प्लस वन टू माइनस थ्री एक्स इक्वल टू लिखा हुआ है, और एक दूसरे मैट्रिक्स दिए जीरो वाई माइनस टू एट और फोर। ठीक है, दे दी इसने, और इसने है ना मतलब फोर ऑप्शन दिए हुए हैं, एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री और वाई इक्वल टू सेवन, फिर बी ऑप्शन दिया हुआ है नॉट पॉसिबल, फिर इसने सी ऑप्शन दिया हुआ है वाई इक्वल टू सेवन और एक्स इक्वल टू माइनस टू बाई थ्री, और डी ऑप्शन दिया हुआ है एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री और वाई इक्वल टू माइनस टू बाई थ्री। बहुत छोटा क्वेश्चन है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ये कह रहा है इसमें से मतलब ये दोनों इक्वल है, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल कर दो, तो फिर इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इक्वल है, करेक्ट है? तो भाई इक्वल है अगर मैट्रिक्स तो फिर एलिमेंट को इक्वल करो और निकालो एक्स और वाई और देख लो कौन सा सही है। तो फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, तो मैं अगर इसको सॉल्व करूँ तो थ्री एक्स प्लस सेवन किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, इसको सेवन को इधर भेज दोगे माइनस सेवन, फिर थ्री नीचे आ जाएगा, माइनस सेवन बाई थ्री आ गया एक्स। सेकेंड एलिमेंट को इक्वल करो भाई, तो सेकेंड एलिमेंट ये तो है वाई माइनस टू और ये फाइव, इसको उधर भेज दो, वाई इक्वल टू कितना आ गया सेवन। आगे देखो अगले एलिमेंट्स को इक्वल करो, y प्लस वन इक्वल टू एट, इससे y की वैल्यू सेवन आ रही है जो कि पहले भी आई है, ठीक है, y तो सही है सेट बैठ रहा है। ये देखो इसको भी इक्वल कर दो, फिर इसको क्यों छोड़ रहे हो, तीन जनों को इक्वल कर दिया, इसको भी करो, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो भाई, इसको 3x को इधर भेज दो कि 4 को इधर, इसको आपने इधर भेजा है तो ये माइनस टू रह जाएगा और ये 3x, तो x इक्वल टू माइनस टू बाई थ्री। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू आ रही है माइनस सेवन बाई थ्री और यहाँ x की वैल्यू आ रही है माइनस टू बाई थ्री, एक ही x की दो डिफरेंट वैल्यू पॉसिबल है क्या? अगर दो इक्वल मैट्रिक्स हो, अगर ये एक ही इक्वल मैट्रिक्स का पेयर है और इसमें x की एक जगह वैल्यू अलग आ रही है, एक जगह अलग आ रही है, तो भाई पॉसिबल नहीं। हाँ, कोई एक अगर ऑप्शन ये आ जाता वाई इक्वल टू सेवन एक्स इक्वल टू माइनस टू बाई थ्री तो ये फिर सही होता। देखो जैसे वाई की वैल्यू दोनों से सेम आई है सेवन सेवन, पर इन इक्वेशन से और इस इक्वेशन से अगर मैंने इस इनको इक्वल किया, इनको इक्वल किया तब x कुछ अलग आया और इनको इक्वल किया तब x कुछ अलग आया, ऐसा थोड़ी हो सकता है कोई। x की अलग अलग एलिमेंट्स को इक्वल करने पे मतलब x अलग अलग थोड़ी आएगा, कोई x तो सेम आना चाहिए, तो इसलिए ये नॉट पॉसिबल आंसर है इसका, बी वाला आंसर है ना, कंप्लीट हो गया। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों लास्ट टेंथ नंबर क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्सेज ऑफ ऑर्डर थ्री इंटू थ्री, थ्री इंटू थ्री ऑर्डर की ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स बतानी है आपको। ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस विथ ईच एंट्री जीरो एंड जीरो एंड वन, ठीक है, कितनी मैट्रिक्स होगी, और चार ऑप्शन दिए हुए अपन को, कौन कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं, 27, फिर बी दिया हुआ है 18, फिर सी दिया हुआ है 81 और डी दिया हुआ है मुझे 512, ठीक है। अब भाई कितनी सारी मैट्रिक्स हो सकती है थ्री इंटू थ्री ऑर्डर की जिसमें खाली एलिमेंट दो ही होने चाहिए जीरो और वन, तो ये तो बहुत टेक्निकल क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर देखते हैं अपन क्या होगा, ठीक है।
तो देखो आपको पता है भाई, 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का मतलब है तीन तो रो है, तीन कॉलम है, थ्री रो और थ्री कितने क्या है कॉलम है, तो ऐसी कितनी मैट्रिक्स हो सकती है। लेकिन एलिमेंट खाली कितने आने चाहिए, या तो जीरो आ जाए या वन आ जाए, या जीरो और वन दोनों आ जाए। ठीक है, तो अगर मैं खाली जीरो को लूँ तो ये एक मैट्रिक्स हो गई भाई, सारे एलिमेंट जीरो वाले एक मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, अगर मैं ऐसा करूँ, ठीक है, ये मतलब सॉरी थोड़ा सा मैं इसको पैटर्न को चेंज कर रहा हूँ ताकि एक्सप्लेन अच्छे से कर सकूँ आपको। आप देखो, अगर मैं ये जो भाई टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे, 3x3 वाली में 9 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, इस पहले एलिमेंट बाकी सारे जीरो हैं, बाकी अभी फिक्स मान लो आप सारे जीरो हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है, ये पहला एलिमेंट है, इसकी जगह मैं दो लिख सकता हूँ, जीरो भी लिख सकता हूँ और वन भी लिख सकता हूँ। अगर मैं इसकी जगह जीरो लिखूँ तब तो ये एक मैट्रिक्स बन गई, फर्स्ट वाले प्लेस की बात कर रहा हूँ मैं। और इसकी जगह अगर मैं वन लिखूँ फर्स्ट प्लेस पे, अगर मैं जीरो लिखूँ या वन लिखूँ, तो मेरे पास दो मैट्रिक्स आएगी। यानी फर्स्ट प्लेस पे, पहले प्लेस पे मेरे पास जो पॉसिबल मैट्रिक्स है वो वन है, वन, टू की पावर वन। टू की पावर वन लिख का मतलब है इस प्लेस पे, पहले प्लेस की बात कर रहा हूँ मैं, और पहले प्लेस को भरने के दो तरीके हैं, जीरो और वन, या तो जीरो आएगा इसकी जगह वन आएगा। ठीक है, तो दो मैट्रिक्स होगी। चलो पहले और दूसरे दो प्लेस को भरते हैं अपन, भरने अपन को सारे हैं, पूरे नौ के नौ प्लेस भरने अपन को, लेकिन अपन एक एक चेक करते हैं। अगर पहले प्लेस को ही भरना होता तब तो मेरे को दो मैट्रिक्स बन जाती और काम हो जाता। मैं पहले और दूसरे प्लेस को भरूं तब कितनी मैट्रिक्स होगी, ये तो टू की पावर वन आई थी, ठीक है ना, खाली पहले प्लेस के। अब दूसरे प्लेस, दो प्लेस भर रहे हैं अपन को, एक इस प्लेस को और एक इस प्लेस को। ठीक है, और यहाँ पे भी जीरो वन आ सकता है, इधर भी जीरो वन आ सकता है, तो कितनी मैट्रिक्स होगी। तो यहाँ पे जीरो आ गया पहले प्लेस पे, यहाँ पे वन आ गया, दो मैट्रिक्स हो गई। अब यहाँ पे भी तो भर सकते हैं, मैं दो प्लेस की बात कर रहा हूँ अब की बार, अब की बार मुझे दो जगह भरनी है, तो एक बार इस जगह जीरो है, इस बार एक जगह वन है, फिर इधर की तरफ मैं जीरो है और इधर वन ले लूँ, बाकी सब जीरो है, बाकी सब की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं। और एक और मैट्रिक्स हो सकती है जिसमें इस जगह पे वन है और इस जगह पे जीरो है। यानी कहने का मतलब, अगर मैं बाकी सब प्लेस पे जीरो डाला हुआ है, बाकी सारे प्लेस को फिक्स कर दिया मैंने, खाली फर्स्ट और सेकंड प्लेस को भर रहा हूँ मैं, फर्स्ट और सेकंड प्लेस को जीरो और वन से भरोगे तो चार तरीके आपके पास, फोर पॉसिबल वेज है। दोनों जगह जीरो जीरो आ जाए, दोनों जगह वन वन आ जाए, सॉरी ये तो ये दोनों जगह वन वन आ जाए, या इधर वन जीरो आ जाए या इधर जीरो वन आ जाए। तो टोटल चार तरीके हैं। इस पहली जगह पे आप जीरो कर दो, पहली जगह पे वन कर दो, दूसरी जगह पे जीरो कर दो, ये दूसरी जगह पे जीरो किया हुआ है, दूसरी जगह पे वन कर दो आप। ठीक है ना, तो चार तरीके हैं आपके पास। तो कहने का मतलब, दो नंबर है जीरो और वन, इनको आपस में इंटरचेंज करने हैं, और दो प्लेस भरोगे तो टू की पावर टू मैट्रिक्स बनेगी। देख लो फोर है, टू की पावर टू का मतलब फोर होगी। तीन प्लेस को भरना है, चलो तीन प्लेस भरो आप, मैं ये देख लेना भाई ये लास्ट, ठीक है, फिर मैं डायरेक्ट टेक्निक पे आ जाऊंगा। चलो तीन प्लेस को भरना है मुझे, तीन प्लेस को अगर मैं भरने की छूट मिल जाए मुझे, तो कितने मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, तीन प्लेसेस को भरना है, तो देखना भाई, अब आपको तीन प्लेस भरने हैं तो कितने मैट्रिक्स बना सकते हो आप, देखना। ठीक है, ये 11th का परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट आ रहा है, परमुटेशन वाला, जिसमें आप इंटरचेंज करने पे पूरा एकदम नया नया अरेंजमेंट आ जाता है। तो अगर मैं कहूँ कि आपको इन तीन डिजिट, तीन जगह पे, तीन प्लेसेस पे जीरो और वन भरने हैं, तो कितने अरेंजमेंट होंगे। पहले प्लेस पे भरने थे तो टू की पावर वन अरेंजमेंट हो रहे थे, टू की पावर वन मैट्रिक्स आ रहे थे। दो जगह पे अगर मैं जीरो और वन भरूँ मैं, एक बार दोनों जगह जीरो जीरो, एक बार दोनों जगह वन वन, एक बार एक जगह वन, एक बार जीरो, एक बार एक जगह जीरो, एक बार वन, तो टू की पावर टू यानी फोर मैट्रिक्स बन रही थी। अब मैं तीन प्लेस भर रहा हूँ, तीन प्लेस भरूंगा तो देखना कितनी मैट्रिक्स बनेगी और कैसी कैसी मैट्रिक्स बनेगी तीन प्लेस। तो कितने बन जाएंगे देखो, जीरो जीरो जीरो, या ऐसा हो जाए इधर जीरो, ये पहले एक बार वन ले लेते हैं, इधर वन जीरो जीरो, है ना, ऐसा भी हो सकता है जीरो वन जीरो, और एक बार ऐसा भी हो सकता है जीरो जीरो वन। ठीक है, चार मैट्रिक्स तो यूँ बन गई भाई, मैं तीन प्लेस भर रहा हूँ। किससे भर सकता हूँ मैं, जीरो और वन से भर सकता हूँ। फिर दो जगह वन वन आ जाए, या फिर या वन आ जाए जीरो वन, या फिर ऐसा हो सकता है जीरो वन वन, और एक सिचुएशन हो सकती है जिसमें तीनों ही वन वन आ जाता है। ठीक है, अब आप देखो टोटल कितनी मैट्रिक्स बन गई भाई, एट मैट्रिक्स बन गई है। यानी अगर मेरे पास तीन प्लेस पे जीरो और वन भरने हो,
डिजिट दो है, 0 और 1 दो डिजिट, और प्लेस 3 है, तो 2 की पावर 3 मैट्रिक्स बनेगी 8। अगर मुझे 4 डिजिट हो जाए, 1, 2, 3, 4, इन 4 जगहों पे मुझे 0 और 1 भरने हो, तो 2 की पावर 4 मैट्रिक्स बनेगी। 2 डिजिट से, 3 डिजिट से भरने हो तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि मुझे तो 9 प्लेसेस पे 9 डिजिट 9 एंट्री करनी है भाई, तो कितने मैट्रिक्स बना पाऊँगा मैं? तो मुझे सीधी सी बात पता चल गई कि मुझे 9 जगह पे 2 डिजिट भरने हैं, तो मुझे 2 की पावर 9 मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी भाई। अगर पहले डिजिट पे, अगर दो पहले नंबर पे 2 डिजिट भरने हो तो 2 की पावर 1, अगर आपको 2 एलिमेंट्स फिलअप करने हो 0 और 1 दो जगह पे, तो फिर 2 की पावर 2 हो जाएगी। 3 जगह पे अगर आपको 0 और 1 भरने हैं तो 2 की पावर 3, 4 जगह पे भरने हैं तो 2 की पावर 4, तो आपको तो 9 एलिमेंट्स पूरे फिलअप करने हैं 0 और 1 से, तो 2 की पावर 9 मैट्रिक्स बनेगी, और ये होती है 512 डी आंसर है इसका, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, शायद अपन ने थोड़ी फटाफट की होगी, पर इजी थी, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, इतना टाइम निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है, पर आप करें इसको, आगे और लेक्चर अवेलेबल कराए जाएंगे आपको। थैंक यू।